हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लकी फैशन वर्ल्ड। तो आज हम आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं ये वाला लुक, क्योंकि रिपब्लिक डे आने वाला है। तो हम सोचे क्यों ना एक रिपब्लिक डे पे बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा एक लुक शेयर किया जाए आप लोग के साथ। तो देखिए यही लुक है जो कि हम क्रिएट किए हैं, जो कि आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोग को ये लुक कैसा लगा। आगे आप वीडियो में देख पाए कि कैसे कैसे हम ये लुक क्रिएट किए हैं और इसमें हम क्या आउटफिट पहने हैं, वो भी आप लोग पूरा एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों को रिवील हो जाएगा। तो ये लुक देखिए कितना प्यारा है और बहुत ही सॉफ्ट सा लुक क्रिएट किए हैं, और डे टाइम के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हार्श वगैरह कुछ नहीं है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही प्यारा लुक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और ये लुक भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आइए आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोग को ये वीडियो और ये लुक। शुरू तो उसके लिए बहुत सारा मेकअप लेके हम बैठ चुके हैं आप लोग के सामने। फिर मेकअप करने से पहले सबसे पहले करेंगे हम लोग हेयर को टाई ऊपर की तरफ, फिर स्टार्ट करेंगे मेकअप। और फेस पे हम मतलब अपना और टोनर मॉइस्चराइजर देन सनस्क्रीन वगैरह लगा चुके हैं, तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे मेकअप। तो उससे पहले हम अपना स्किन केयर कम्प्लीट कर चुके हैं। तो हम यूज़ किए हैं गुड वाइब्स का टोनर मेरा खत्म हो चुका था, क्योंकि हम गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हैं, तो उस जगह पे हम टोनर की जगह पे गुलाब जल यूज़ किए हैं। देन उसके बाद फिर मॉइस्चराइजर के लिए यूज़ किए हैं हम पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर, हाइलुरोनिक एसिड वाला, विटामिन ई वाला। देन उसके बाद सनस्क्रीन यूज़ किए हैं। उसके बाद अब हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे मेकअप से। तो फेस पूरा रेडी है मेकअप के लिए। तो बहुत ज़्यादा आसपास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से हम मेकअप वॉइस ओवर करके आप लोग को दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग यूज करेंगे प्राइमर, क्योंकि हम लोग को मेकअप करने के लिए काफी अच्छा सा सरफेस चाहिए एक। तो प्राइमर जितने भी ओपन पोर्स होते हैं उस सबको फिल करके काफ़ी स्मूथ कर देता है। तो हम लोग के पास जो भी प्राइमर हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं भारत का प्राइमर, भारत मेकअप का, जो कि मेरे पास था। तो आपके पास जो भी प्राइमर हो वो आप प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग यूज़ कर रहे हैं मेबलिन का लिप बाम, उस क्योंकि हम लोग को लिपस्टिक लगाना है, तो पहले लिप को हाइड्रेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी। नेक्स्ट हम लोग को आई मेकअप करना है। सबसे पहले हम लोग आई मेकअप कर लेंगे, क्योंकि जो भी फॉल होता है वो सब आई मेकअप करने पे, आप जो भी फॉल आउट होता है वो सब फेस पे आके गिरता है, तो इस वजह से हम लोग पहले आई मेकअप करेंगे। उसके लिए हम लोग सबसे पहले यूज़ करेंगे कंसीलर, अच्छे से कंसीलर लगा लेंगे। उसके बाद तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कंसीलर जो मेरे पास था, ये स्टिक कंसीलर है क्रीम फॉर्मूला में है, तो वो हम यूज़ कर रहे हैं। और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से। तो पहले हम ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से उसको ये कर लेंगे, मतलब ये पानी वाटर में सोक किया जाता है, या फिर आप टोनर के साथ भी इसको थोड़ा सा गीला करके उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अच्छे से अपने कंसीलर को सेट कर ब्लेंड कर लेंगे। हम यहाँ पे डबल कोट लगा के ब्लेंड किए हैं। तो आपके पास जो भी कंसीलर हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास कोई भी कॉम्पैक्ट हो या फिर लूज पाउडर हो, तो मेरे पास यहाँ पे कॉम्पैक्ट है फिटमी का, तो उससे हम अच्छे से उसको सेट कर लेंगे, ताकि कोई भी क्रीज लाइन ना क्रिएट हो। जैसे कि होता है ना, कोई क्रीज हो जाता है बहुत सारा क्रीम, मतलब आप क्रीम फॉर्मूले का कोई भी चीज़ यूज़ करोगे, देन उसके बाद यदि सेट ना करोगे पाउडर से, तो वो अजीब सा हो जाता है, पूरा ऐसे लाइन सा क्रीज लाइन क्रिएट हो जाता है। इस वजह से आपको सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद अब हम शुरू करेंगे आई मेकअप। उसके लिए हम लिए हैं, मेरे पास जो आई शेडो पैलेट था वो हम पैलेट लिए हैं। आपके पास जो पैलेट हो वो आप लीजिए। उसमें बस रेड, ग्रीन और वाइट कलर होना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग को उन तीनों कलर से ही आई लुक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले रहे हैं न्यूड कलर। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है न्यूड का, तो आपके पास जो भी न्यूड का ऑप्शन है वो न्यूड लें। हम वो ब्राउनिश न्यूड ले रहे हैं, और उससे हम लोग यूज़ करेंगे क्रीज लाइन पे।
तो पहले हम लोग अपना देख लेंगे आई का, यहाँ देखिए जहाँ पे हम दिखा रहे हैं उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, जो आपका क्रीज लाइन हो आई का बस उसी पे आप उसको ब्लेंड कीजिएगा। जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं उस तरह से आप ब्लेंड कर सकते हैं, बहुत ही ईजी होता है, बहुत कुछ टफ नहीं होता है। तो बस कोई भी न्यूड सा कलर लेके आप उसको इस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं अपने क्रीज पे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी वाइट सा मतलब उसी में से आई शेडो में से कोई भी वाइट टाइप का लाइट सा आई शेडो लेके हम लोग पूरे आईलिड पे उसको प्लेस करेंगे, ताकि उसके बाद जो हम लोग कलर लगाएंगे, जो भी कलर यूज़ करेंगे वो अच्छे से पॉप अप होके आए। तो इस वजह से हम यहाँ पे थोड़ा सा वाइटिश टाइप का आई शेडो लेके अपने आईलिड पे प्लेस कर दिए हैं। तो अब हम लोग लेंगे ग्रीन, हम लोग यूज़ करने वाला है ग्रीन, रेड एंड देन वाइट कलर यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग रिपब्लिक डे के लिए आई मेकअप लुक कर रहे हैं। तो इस वजह से पहले हम ले लिए हैं यहाँ पे रेड, मतलब ऑरेंजिस रेड टाइप का जो होता है वो कलर ले लिए हैं। देन फिंगर की हेल्प से ही हम उसको लेके अपने आईलिड पे प्लेस कर रहे हैं, ताकि वो अच्छे से कलर पिक होता है। तो सबसे पहले उसी तरह से करके तीनों ले लेंगे, पहले हम ले लिए ऑरेंज और अच्छे से फिंगर से ही अपने कर रहे हैं। आप चाहें तो ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन फिंगर से करने पर काफ़ी अच्छे से वो पिक होता है कलर। तो हम यहाँ पर फिंगर से कर रहे हैं, पहले सबसे पहले हम ऑरेंज कलर ले लिए, ऑरेंज और रेड टाइप का रस टाइप का कलर है। देन उसके बाद हम वाइट कलर ले रहे हैं, तो इसको भी फिंगर की हेल्प से ही इस तरह से प्लेस कर देंगे। उसके बाद फिर हम लेंगे ग्रीन कलर और उसको भी अच्छे से प्लेस कर देंगे। तो रेड एंड ग्रीन थोड़ा सा ज़्यादा प्लेस में हम प्लेस किए, जैसे कि ज़्यादा जगह उसके लिए लिए हैं और वाइट कम जगह पे लिए हैं। तो इस तरह से फिंगर की हेल्प से ही हम उस सबको प्लेस कर देंगे। तो तीनों आई शेडो कलर हम लोग ले लिए हैं, आई पे लगा लिए हैं फिंगर की हेल्प से। देन इस सबको एक ब्रश लेना है, आई शेडो ब्रश फ्लफी सा, और इस सबको ब्लेंड करना है क्रीज पे और अच्छे से। और तीनों को हम एक साथ एक बार ब्लेंड कर दिए हैं, ताकि वो कलर लाइट सा हो गया। देखिए आप तीनों को एक साथ हम ब्लेंड कर देंगे तो वो लाइट सा कलर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या किए हैं, देन फिर ब्रश की हेल्प से हम उसके ऊपर देन फिर से आई शेडो प्लेस किए हैं, रेड की जगह पे रेड, ग्रीन की जगह पे ग्रीन, देन वाइट की जगह पे वाइट। तो वो सब आई शेडो को फिर से प्लेस किए हैं, ताकि कलर पे ऑफ थोड़ा अच्छा सा आ पाए। यदि आपके पास कोई अच्छे ब्रांड का आई शेडो है तो वो तो आपके एक बार में ही काफ़ी अच्छा कलर पे ऑफ दे देगा। मेरे पास जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छे ब्रांड का नहीं, मतलब अच्छा है बट बहुत अच्छे ब्रांड का नहीं, इस वजह से नहीं देता है उतना पे ऑफ। तो फिर हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो हम लोग ब्लेंड करेंगे तो सिर्फ क्रीज लाइन पर ब्लेंड करेंगे, तो आई लुक काफ़ी अच्छा खिल के आएगा। आप देखिएगा कितना प्यारा आता है, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। आप आराम से जैसे जैसे हम आपको दिखाएं स्टेप बाय स्टेप आप वैसे कीजिएगा, तो आप आराम से ये आई लुक अचीव कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा आउटकम आया है। नेक्स्ट हम लोग आईलाइनर लगाएंगे, तो हम NYB का आईलाइनर यूज़ कर रहे हैं, जो कि लिक्विड आईलाइनर है। इससे लिक्विड आईलाइनर से काफ़ी अच्छे से आईलाइनर ड्रॉ हो जाता है। आप यदि आराम से थोड़ा थोड़ा लेके ड्रॉ करेंगे, थोड़े थोड़े पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में, तो बहुत इजीली ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग छोटा सा विंग आईलाइनर ड्रॉ करेंगे, पतला सा, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे, पतला सा विंग आईलाइनर ड्रॉ करेंगे। आईलाइनर के बाद नेक्स्ट हम लोग मस्कारा यूज़ करेंगे। उसके लिए पहले हम लोग आई लेसेस कर्लर यूज़ करेंगे। आई लेस कर्लर से पहले आई लेस को थोड़ा सा कर्ल कर लेंगे, और ध्यान से करें ताकि उससे आपको हार्म ना पहुँचे। तो उसके बाद देन हम यूज़ कर रहे हैं, मेरे पास जो टिनटिन का मस्कारा है वो हम यूज़ कर रहे हैं, डबल कोट हम मस्कारा यूज़ करेंगे। देन उसके बाद हम काजल यूज़ किए हैं, वाटर लाइन पर नीचे अंडर वाटर लाइन पर यूज़ करके उसको स्मच कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्का सा लगा के उसको ब्रश की हेल्प से उसको स्मज कर देना है। तो देखिए लुक कैसा आता है। यदि आपको कभी भी प्रॉपर काजल काजल वाला लुक नहीं चाहिए, तो आप इसी तरह से आप ट्राई कर सकते हैं, हल्का सा काजल लगा के आप उसको ब्रश की हेल्प से स्मज कर दीजिए। देन हम लोग आईब्रो फिल करेंगे।
तो आईब्रो फिल करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्विस ब्यूटी का मेरे पास जो आईब्रो पैलेट है। तो अभी मेरा आईब्रो बिल्कुल भी थ्रेड नहीं किया बना हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप आईब्रो यदि अच्छे से फिल कर लेते हैं तो वो अच्छा लुक देता है। तो मेरा आईब्रो तो पहले से बढ़ा हुआ है काफ़ी, लेकिन फिर भी हम इसको एक शेप दे दे रहे हैं, थोड़ा सा डायमेंशन मिल जाता है। तो आप कभी भी आईब्रो मिस ना करें, उसको ज़रूर फिल करें। देन यहीं पे एक आई लुक कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट आई को भी इसी तरह से कंप्लीट करके। तो ये देखिए दोनों आई लुक हो गया कंप्लीट, और कितना प्यारा सा लुक आया, बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही प्यारा लुक आया। और अब हम करेंगे फेस मेकअप स्टार्ट। तो जिसके लिए जो भी फॉल आउट हुआ है उसको पहले हम लोग क्लीन कर लेंगे किसी भी वाइप या फिर टॉवल की हेल्प से। देन उसके बाद अब फिर हम सेम कंसीलर यूज़ करें फेस के लिए, क्योंकि ये 3-in-1 है, इसको आप कंसीलर देन पूरे बेस की तरह पूरे फाउंडेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको कंसीलर एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। देन उसके बाद हम थोड़ा सा सीसी क्रीम यूज़ करेंगे। तो पूरे फेस पे हम अच्छे से लगा लिए हैं। देन उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग में हम ऑलवेज बोलते हैं कि अच्छे से टाइम दें और अच्छे से अपने बेस को ब्लेंड करें, ताकि बिल्कुल भी कैकी और पैची पैची सा ना लगे। यदि अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा तो फिर क्रीज होगा, इधर उधर पता चलेगा प्रोडक्ट इकट्ठा हुआ है। इस वजह से आप अच्छे से ब्लेंड करें। देन उसके बाद हम लोग यूज़ कर रहे हैं लैक्मे का सीसी क्रीम। जो लोग भी मेरा वीडियो देखते होंगे, मेरे फॉलोअर्स हैं देन मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों को पता होगा कि हम ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ नहीं करते हैं। तो अगेन हम लोग सीसी क्रीम यूज़ कर रहे हैं, और डे टाइम के लिए सीसी क्रीम बेटर होता है। तो यहाँ पे लैक्मे का सीसी क्रीम ऐसे डॉट डॉट करके हम लोग लगा लेंगे। देन उसको भी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। यदि बहुत लोग तो फिंगर से भी ब्लेंड करते हैं तो वो भी बेटर होता है। आप जिस तरह से कंफर्टेबल, आप ब्रश से या फिर ब्यूटी ब्लेंडर से या फिर फिंगर से जैसे कंफर्टेबल हो वैसे ब्लेंड कर लें। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मेरे पास है स्टिक क्रीम बेस में हाइलाइटर। तो वो कभी भी आप जैसे जो क्रीम बेस हो उसको कभी भी पाउडर सेट करने के बाद ना लगाएं, उसको पहले ही यूज़ करें। तो हम इसको अपने फेस पाउडर मतलब फेस बेस सेट करने से पहले ही इसको हम लगा रहे हैं। तो पहले हम ये यूज़ कर लेंगे। देन स्टिक 2-in-1 स्टिक में आता है, तो ये हाइलाइटर भी है इसमें और देन कॉन्टोर भी है, तो हम वो भी यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों को अच्छे से लगा के फिर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं लिपस्टिक जो मेरे पास था, उसको भी हम पहले ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये भी क्रीम बेस्ड लिपस्टिक है। तो हम बाद में ब्लश नहीं यूज़ करना चाहते हैं पाउडर ब्लश, इस वजह से हम पहले ही इसको क्रीम बेस्ड ब्लश के नहीं है मेरे पास, तो हम इसको लिपस्टिक की तरह लिपस्टिक को ही यूज़ करें ब्लश की तरह। आप ये कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा हैक है। तो यहाँ देखिए लिपस्टिक लगा के इसको भी हम काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अपने पूरे बेस को सेट करने के लिए फिटमी का, जो मेरे पास मेबलिन फिटमी का जो कॉम्पैक्ट पाउडर है उसी से हम अच्छे से एक फ्लफ़ी सा ब्रश ले लेंगे। देन आप इसको आपके पास जो सेम कॉम्पैक्ट में जो उसके साथ एप्लीकेटर देता है उससे भी आप कर सकते हैं। ये मिनीसो का फ्लफ़ी बहुत ही सॉफ्ट सा ब्रश है, पाउडर ब्रश बहुत अच्छा ब्रश है, आप ये बाई कर सकते हैं। तो इससे हम अपने पूरे बेस को सेट कर लेंगे। देन फाइनल टच देने के लिए बस हम आई बोन पे अपने हाइलाइटर नहीं लगाए थे, देन इनर आई कॉर्नर पे भी नहीं लगाए थे, तो इस वजह से इस हाइलाइटर को हम यूज़ कर रहे हैं। वो भी स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर है, तो उसको हम अपने आई बोन पे देन इनर आई पे उस सब पे यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट हम यूज़ कर लेंगे लिपस्टिक। लिपस्टिक्स लगाने से पहले हम लाइनर यूज़ कर रहे हैं, तो पहले लिप को अच्छे से लाइन कर लेंगे, देन उसके बाद हम यूज़ करेंगे लिपस्टिक। तो यहाँ पे मार्स का मेरे पास लिपस्टिक है, वो हम यूज़ कर रहे हैं, तो पहले हम वो लगा लेंगे। और हमको डार्क लिप नहीं चाहिए क्योंकि मेरा पूरा फोकस आई पे हमको चाहिए, आई को हाईलाइट रखना है। इस वजह से हम इसके ऊपर रेड के ऊपर न्यूड मरून सा है वो शेड था, उसके ऊपर हम NYB का ब्राउनिश न्यूड शेड है उसको हम लगा रहे हैं। मार्स के मरून सेट के ऊपर ब्राउनिश न्यूड सेट हम लगाए हैं NYB का। उसके बाद फिर
उसको अब और भी ज़्यादा मैट करने के लिए और ज़्यादा हाईलाइट ना हो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं मेरा जो कॉम्पैक्ट था वो हम इसके ऊपर डैब डैब करके यूज़ कर ले लिपस्टिक पे। तो ये देखिए लुक कितना अच्छा सा लुक आया है, पूरा फाइनल लुक ये क्रिएट हो चुका है। आप ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये लुक, और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और लास्ट हम लोग अपने मेकअप फिक्सर से पूरे मेकअप को लॉक कर लेंगे, जो कि है मेरे पास ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर। आपके पास जो भी हो वो आप यूज़ करें, और यदि ज़्यादा हो जाए, यदि आप स्प्रे करते हैं यदि एक्सेस हो जाए ज़्यादा, तो उसको आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप डैप करके हल्का सा रिमूव कर सकते हैं उसको। तो इस तरह से हमारा मेकअप लुक होता है कम्प्लीट। तो यहीं पे मेकअप लुक हो गया कंप्लीट। देन हम 5 मिनट में आते हैं ड्रेस चेंज करके एंड थोड़ा सा बाल ठीक करके, और इसके साथ हम एक छोटा सा बिंदी भी जरूर लगाएंगे। तभी मिलते हैं आपको 5 मिनट। आई होप आप लोग को ये लुक पसंद आया हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रिपब्लिक डे एंड बाय बाय।